वेलकम बैक टू माय चैनल माही पी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, यहाँ दो दिन से बारिश हो रही है, दो दिन से नहीं, तीन दिन से हो रही बारिश। तो बारिश थमने का नाम ही ले रही। हाँ, तो ये देखो मैं ब्लॉग, अब भी बारिश हो रही है फ्रेंड। हाँ, तो देखो जहाँ मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ, हाँ इनका है पैच है मैम है का लेते, इससे खेलो आप। तो मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो आप सोच रहे होंगे मैंने इतना मेकअप क्यों किया। तो मैं इतना मेकअप करती नहीं हूँ। तो फ्रेंड, मैं इंस्टाग्राम पे रील्स बना रही थी, तो परी गंदी बात लो, तो आप ये वाला खेल ले, छतरी ले लो आप, ये छतरी। तो फ्रेंड, बच्चों के समय ऐसे ही होता है। तो मैं इंस्टाग्राम पर रील बना के, मैंने सोचा, मैंने कहा कल भी ब्लॉग नहीं बनाया, बना के डाल देती हूँ। तो फ्रेंड, मन नहीं करता ब्लॉग बनाने का, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। तो बारिश हो रही है, परी के पापा गए हैं बेचारे बाइक लेके राइड पे, बारिश पड़ रही है, कैसा काम होएगा, बस ये टेंशन है दिमाग में। तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता मैं उन्हें ऐसे भेजूँ। तो फ्रेंड, हमारे पैसे, हमने थोड़े पैसे लिए थे गाड़ी सही करवाने के लिए, तो उनके पैसे देने पड़ते हैं रोज़ रोज़। अगर एक दिन ना दो तो 100 रुपये की पेनल्टी लगा देते हैं, तो 100 रुपये पर ये सभी दे दे बेटा, कुछ ले तू ये ले ले, एक चीज से दे दे, एक तू ले ले। तो फ्रेंड, बस मजबूरी है और बारिश आ रही है, घबराहट आ रहा है, बारिश में जाती है। तो मैं सोचती हूँ मैं भी ना थोड़ा सपोर्ट कर लूँ, कोई जरिया नहीं, मैं किस तरह से ना सपोर्ट करूँ। तो फ्रेंड, आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पर रील देखना चाहते हो तो हमारी आईडी है माही गोयल और 1465, तो आप देख लेना और वहाँ भी हमें फॉलो करना प्लीज़। तो वहाँ भी मेरी नई आईडी है और यहाँ पे भी मेरा नया चैनल है, तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे भी सपोर्ट करो। आप लोग वीडियो देख लेते हो बट एक भी लाइक, एक भी कमेंट नहीं आता, ना एक सब्सक्राइबर भी आता, कुछ नहीं आता, मतलब आप लोग सपोर्ट नहीं करते। हम बिल्कुल ही इतनी सी भी अच्छी नहीं बनाती क्या मैं वीडियो, तो फ्रेंड इतनी अच्छी बन, थोड़ी बहुत भी अच्छी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मेरे 50 सब्सक्राइबर हो गए, एक महीने से ऊपर हो गया तो मेरे 50 सब्सक्राइबर हुए, वो भी मेरे यहीं से ही, मतलब जैसे मैं बता दिया करती थी, वो लोग बेचारे सब्सक्राइब कर देते, तो मैं लाइव नहीं आ पा रही। मैं सोच रही हूँ लाइव आऊँ, तो मैं लाइव बिल्कुल नहीं आ पा रही, पता नहीं क्या हो रहा फ़ोन में, तो लाइव का ऑप्शन ऑन ही नहीं हो रहा। तो फ्रेंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो प्लीज़। फ्रेंड, मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ आप सबके लिए, बहुत टाइम निकाल निकाल के बनाती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता बच्चों में बिल्कुल भी। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, मैं टाइम निकाल निकाल के बनाती हूँ फ्रेंड, तो मुझे इतना से भी टाइम नहीं मिलता है, क्यों आपको पता है मेरे दोनों बच्चे छोटे हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप हमें सपोर्ट करो, बस आपका इतना सपोर्ट चाहिए। देखो, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, लाइक कमेंट करने में कोई नहीं लगता, प्लीज़ आप मुझे भी सपोर्ट करो फ्रेंड, ताकि मैं भी आगे बढ़ूँ। मेरे हस्बैंड गए बेचारे गाड़ी चलाने, तो किस्त के पैसे निकालने हुए, घर में एक पैसा भी नहीं है, इस टाइम पे एक रुपया भी नहीं है घर में, कैसा होता है। तो आज मैंने किराया दे दिया 2 महीने का, अभी 2200 रुपये मेरे कम पड़ गए, क्योंकि बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है, रोज़ बच्चों की दवाई आ रही है, और इसके पापा की भी तबीयत ख़राब हो रही है, तो इसके पापा की भी तबीयत ख़राब हो रही है। घर में दवाई ववाई बहुत महंगी आती है, क्योंकि बुखार जुकाम नज़र सब खांसी वांसी चल रही है इस टाइम पर बहुत ज़्यादा, तो सब बीमार है। और फ्रेंड, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, बट मैं सोचती हूँ ना, मैं बच्चों को देखती हूँ, मैं अपनी तबीयत को सोचती हूँ मैं ठीक ही हूँ। तो देखो कैसे खेल ले दोनों। तो मैंने आज मेकअप किया था देखो, तो मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रही थी, तो वहाँ पे मेरे 200 कुछ फॉलोअर होगी, नई आईडी वहाँ पे भी, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखो मेरे भोपा परी क्या करें, परी हाय करियो, हाय करो, परी आप वही गाना सुना देना, भी सुना दे, सुना दो वो वाला, मुझे नहीं पता है, सुना दो कोई सही, सुना दो, सुना दो चांद वाले, सुना दो पागल हो गया बाजार में। अभी फ्रेंड ये बोल रही थी
मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। बोलियो भोपा, आप भी बता दो। तो ये देखो बच्चे ऐसा करते हैं फ्रेंड, तो बारिश हो रही है, मैं आपको दिखाऊं बाहर का नज़ारा, तो बारिश कितनी हो रही है, तो मैं जाऊंगी बाहर, तो ये बजाएंगे, लड़ते नहीं है, तो ये जाएंगे, तो फ्रेंड देखो पंखा वंखा सब बंद कर रखा है, ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं आपको दिखाती हूँ चलो बाहर का। तो कुंडी खोल लेती हूँ पहले, तो फ्रेंड कुंडी लगा कर रखनी पड़ती है बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पर सब सबके अपने अपने रूम है, लड़ते नहीं है। तो ये देखो तो कोई आया शायद, आ जा तो बाहर का बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, तो अजीब अजीब सा दिख रहा है, पता नहीं क्या हो गया फोन में, तो अंदर अंदर का सही से दिख रहा है, तो ये अंदर का है फ्रेंड, तो पता नहीं फ्रेंड क्यों नहीं दिख रहा था बाहर का, बहुत ज़्यादा वाइट वाइट दिख रहा था, बहुत ही ज़्यादा, अंदर का सही दिख रहा है नॉर्मल, तो पता नहीं फ़ोन में क्या हो गया, तो मैं सोच रही हूँ फ़ोन निकलवाऊँगी सस्ता सा 6-7 हज़ार का, तो अभी नहीं निकलवाऊँगी, जब मैं मुझे लगेगा हाँ आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो कि हाँ भाई मेरे को वो कर रहे हो, तो मैं तब निकलवाऊँगी फ़ोन, तो फ्रेंड फ़ायदा क्या अगर जो आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे मैं फ़ोन निकलवा लूँ, वैसे ही काम धाम कुछ नहीं है, और फिर उधार भी करूँगी किस्तों पर फ़ोन लूँगी, तो इससे अच्छा तो यही है। अंदर आ जाओ बच्चों, तो प्लीज़ फ्रेंड आप मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं भी आगे बढ़ूँ, अंदर आ जाओ बच्चे। तो आज मैंने खाना वाना कुछ नहीं बनाया, मन ही नहीं कर रहा, गेट फेर दो कुंडी लगा दो, मैं खाना वाना कुछ नहीं बनाया, मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि इसके पापा नहीं है, तो इसके पापा नहीं है, तो वो नहीं होते, खाने का मन भी नहीं करता, बेचारे बारिश में भीग रहे, पता नहीं कैसे होंगे, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो वो चले गए। तो फ्रेंड मैं भी सर सवार के इसलिए वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोग मुझे सपोर्ट करो, इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियो बनाई है, बट मैं मेकअप वेकअप नहीं करती, क्योंकि लोग बाग बहुत से ऐसे होते हैं कि खाने को दाने नहीं मेकअप कर दिया, ये हो जाता है ना, तो बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट है मुझे भी सपोर्ट करो ताकि मैं भी आगे बढ़ूँ, और मैं अपने हस्बैंड की थोड़ी हेल्प करूँ। तो फ्रेंड मैं जॉब करना चाहती हूँ बट मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं और कोई संभालने वाला भी नहीं, तो इसलिए मैं जॉब नहीं कर सकती अभी, और आपको पता है किराए के घर में ना किराए होते एक दूसरे दिन आ जाते हैं मकान वाले किराए के चक्कर में, और यहाँ पे किराया भी बहुत ज़्यादा महंगा है, तो जहाँ पे मैं रूम ले रखा 4,000 रुपये महीना, पर एक बात है इसमें कि अपने रूम में ना सेपरेटी है, मतलब लेटरिन बाथरूम सब चीज़ किचन वगैरह सब चीज़ है। तो देखो फ्रेंड मैं दिखा देती हूँ आपको, तो ये छोटा सा किचन है, देखो इसके नीचे सामान है ये भी, तो ये छोटा सा किचन है, तो देखिए मेरे ये ना ये इसके हो गए थे, तो ये भी लगवाए जा रहे हैं मेरे से, इसको ये ऐसे ही काम चला रही है, तो ये बच्चे ये बात तो ये लेटरिन बाथरूम है फ्रेंड, और ये कपड़े रखने का है, इसमें बच्चों के कपड़े रखती हूँ, मेरे पास अलमारी नहीं है, और ये वैसे कपड़े होते हैं जो गंदे वगैरह, क्योंकि एक ही रूम है सब इसमें एडजस्ट करना पड़ता है, तो इसका मैंने पर्दा बना रखा है फ्रेंड, तो यहाँ पे ये पर्दा डाल लेती हूँ, तो चूहे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये पर्दा डाल लेती हूँ, यहाँ पर ऊपर वैसे चादर वादर रखी है, तो तय लगा कर रखूँगी, तो मैं चूहे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो देख फ्रेंड नीचे कितना फैला कर रखा है इन्होंने बच्चों ने, तो ये है, तो इसके पापा ने ये सूट निकलवाया था सिलवाने के लिए, के सिलवाने के इनकी बहन ने दिया था, ये इनकी बहन के यहाँ पे गए थे जब हम पहली बार, तो इनकी बहन ने दिया था ये फ्रेंड, तो ये बोल ले सिलवाने के लिए, तो दिवाली के लिए बोल रहे थे सिलवाने के लिए, करवा चौथ के लिए तो कुछ नहीं शॉपिंग की हमने, ना कर रहे हैं, पैसे ही नहीं इस टाइम, बजट नहीं है, तो जो पहले का रखा है मेरा वही पहन लूँगी मैं, जो भी कुछ है, अगले साल भी मैंने कुछ नहीं बनवाया था, पिछले साल सॉरी, इस साल भी कुछ नहीं बनवा रही मैं, तो जो मेरा शुरू की
फर्स्ट करवा चौथ रखी थी मैंने शादी के बाद, तो वही रखे हैं मेरे कपड़े, तो वही पहन लूँगी मैं। तो कोई नहीं, मैं चाहती हूँ बस मेरा आदमी का काम चल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस किसी का उधार ना हो। बहुत शर्म लगती है अगर जो कोई घर पर आता है मांगने के लिए, तो बस ये। तो फ्रेंड आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो ताकि मैं भी आगे बढ़ूँ, आप मेरी भी हेल्प करो, आप सबकी हेल्प करते हो तो प्लीज़ मेरी भी हेल्प करो थोड़ी सी। तो आज का ब्लॉग हम यही समाप्त करते हैं। तो ब्लॉग में फिर बोल रही हूँ फ्रेंड, ब्लॉग देखने के बाद प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़। और मैं जल्दी से जल्दी लाइव आने की कोशिश करूँगी, क्यों मेरे को इतने फ़ोन में नॉलेज नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कैसे लाइव आते हैं। तो मैं जिनसे मैंने चैनल खुलवा था उन भैया के पास जाऊँगी, तो मैं उनसे पूछूँगी कैसे लाइव आया जाता है। तो फ्रेंड आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो ताकि मैं भी लाइव आऊँ। और बोलते हैं कि 50 सब्सक्राइबर पर आ जाते हैं लाइव, तो मेरे 50 हो गए फ्रेंड, बहुत मुश्किलों से हुए 50 भी। आप लोगों की दुआओं से हो तो गए 50, तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी लाइव आने की, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि लाइव में बहुत जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड मेरा टाइम भी पूरा नहीं हो रहा वीडियो का, जो टाइम होता है चलने का तो वो पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि आप लोग इतनी सी वीडियो देखते हो फिर बंद कर देते हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखो, पूरी देखो। तो फ्रेंड सब्सक्राइब ना सही तो पूरी वीडियो देख ले करना। हाँ तो चलो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।